मैं चाहूँगा मोदी साहब मंच पर आए, भगवान शंकर की कृपा हुई है, आप आइएगा एक बार मंच पर। देखो आज भोलेनाथ की कृपा, मोदी साहब एक बार मंच पर बता रहे, मोदी साहब देखो नाथ की कृपा और भोलेनाथ आया है। अरे मैं एक लाइन बोली, माँ देवरी मर्जी वे तो बरसे पालर, देखो कृपा कणे आ जावे पतो नहीं चले, सवा दो बजे कृपा आई है। महादेव जी बीच में आए, एक बार शंकर भगवान से निवेदन, भगवान शंकर बीच में आए, अमरचंद जी बीच में आओ। हाँ जी, यही तो महादेव की मेहरबानी है, दोनों भाइयों पर महादेव की असीम कृपा है जी। एक राइट एक लेफ्ट, चाहे थोड़ा लग रहा है, पोषा भाव बीच में आओ, यहाँ आओ, या आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। अब हुई कृपा की बारी, ये एक बार ताली बजाएं जाजरा परिवार के लिए। श्रीमान देवकरण जी अमरचंद जी जाजरा सरपंच पी, गोपीराम जी जाजरा पी, आपकी ओर से 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए गोदान में सप्रेम भेंट। देवकरण जी अमरचंद जी गोपीराम जी जाजरा पी, पूरा पंडाल तालू से गुजरना चाहिए जिनके हाथ है, आशीर्वाद दीजिएगा, दिया है और देते रहेंगे, क्योंकि भगवान ने लिखा है देत को हरी देत कहे सुदामा दास, अरे ना देत को क्या देत फेरा दे 50, आपने दिया है तो भगवान आपको देते रहेंगे, भगवान की बहुत बड़ी कृपा जी। 1,11,000 चारे के लिए और 10 लाख रुपए गौशाला में निर्माण के लिए जोरदार तालु से स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे युवा दिल शहर दिल भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं पूरे जाजरा परिवार को। भगवान हमेशा आपके परिवार में सुख समृद्धि लक्ष्मी का वास रहे और भगवान शंकर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल, हर हर महाकाल, हर हर महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, अमरचंद जी जाजरा साहब और गोपीराम जी जाजरा साहब के पूरे परिवार का बहुत बहुत साधुवाद। वाक्य में दिल जीत लिया आपने, जो कहते हैं वो करके दिखाते, ना कथनी में फर्क ना करनी में फर्क, बस काम हो तो धरातल पर होना चाहिए, जो करते हैं कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आपकी गौ सेवा को मैं प्रणाम करता हूं कि जब से आप इस गौ सेवा से जुड़े हैं दिनों दिन आप उन्नति कर रहे हैं और करते रहेंगे। भगवान परमपिता परमात्मा से मैं यही कामना करूं, प्रभु इनके परिवार में हमेशा, नगरी में हमेशा, इनके गांव में हमेशा खुशियों के भंडार भरे रहे और हमेशा गौ माता की असीम कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। मनाश्री परमेश से आगे पधारो, खाटू की धरती से आप चलकर यहाँ पधारे हैं, एक छोटे से आह्वान पर आपको समाचार मिला कि आज अमरचंद जी जाजरा के गांव में जागरण है। बनाश्री परमवीर सिंह जी पूरी टीम लेके खाटू से यहाँ चलकर आ गए। एक बार चाहूंगा पूरा पंडाल तालियों से गूंजे, पूना से आए जहाँ गांव गए हाथों हाथ रवाना हो गए कि हमें पी चलना है। आज जो भी पी में पधारे हैं धन्य हो गया, माला माल हो गया, क्योंकि पी नगरी साहब एक गौलोक तीर्थ नगरी है, गौलोक तीर्थ नगरी है पी। कोई आदमी भूले पटके भी यदि पी में आ गया तो मैं, मुझे पक्का भरोसा इस नगरी की माटी का, मुझे पक्का भरोसा इस माटी के बाशिंदों का, वो कभी भूखा प्यासा नहीं जाएगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद, जय गौ माता की, जय श्री राम, बैठिएगा। आज एक शाम गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या के अंदर उपस्थित राजधाम के गुरुदेव नारायण दास जी महाराज को मेरा प्रणाम। साथ ही पिछले 20 सितंबर 2020 से लगातार मैं देखता आ रहा हूं मेरे बड़े भाई और गौ माता के लिए गांव गांव डाणी डाणी पूरे राजस्थान के साथ साथ सूरत के सारे जगह, अहमदाबाद, गुजरात, मैं इनके साथ कई बार गया हूं, बाहर भी हैदराबाद, जहां छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी भाई ओम जी मुंडेल ने भजन संध्या की और भजन संध्या के अंदर गायों के लिए पैसे एकत्रित करके वहां की गौशाला को सुपुर्द किया। इसके लिए पहले तो भाई ओम जी मुंडेल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने आपका कीमती समय निकालकर यहाँ की गौ माता के लिए, यहाँ के ग्रामीणों के लिए आपने समय निकालकर हमें टाइम दिया, इसके लिए भाई ओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित
किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और मेरे मार्गदर्शक और बड़े भाई हरिराम जी रणवा, जिन्होंने हमेशा हर संघर्ष की कड़ी में मेरा साथ देते हैं, इनके लिए मैं संपूर्ण ग्राम वासियों को कहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब का ग्राम पंचायत पी के अंदर जोरदार स्वागत। भाई ज्ञानाराम जी रणवा, रामाकिशन जी खीचड़, कृपा राम जी सरपंच साहब, कन्नाराम जी और गांव डाणी से पधारे हुए संपूर्ण प्रोफेसर रिया बड़ी से प्रधान प्रतिनिधि और किसान मोर्चे में मेरे साथी रिया बड़ी से जिला किसान मोर्चा के नागौर शहर के जिलाध्यक्ष और रिया बड़ी से अभी प्रधान प्रतिनिधि है भाई मदन जी गोरा और साथ में उपस्थित यहाँ से बनवार जी बिश्नोई, सुरेश जी जिन्होंने पास में ही सांवरिया कॉलोनी काटी है, रामनिवास जी गुजर, भाई मुकेश जी रणवा, पूर्णाराम जी चोइल, सभी को मेरी तरफ से ग्राम पंचायत पी में आपने आपका कीमती समय निकाल के दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि संपूर्ण गांव के लोगों के द्वारा, प्रभुजनों के लोगों के द्वारा कि एक छोटा से पिछले 5 से 7 दिन की मेहनत पे, क्योंकि जिस प्रकार की गौ माता की इस बार चारे की दशा है, जो चारा पिछले साल 2 से 3 रुपए किलो में मिलता था, वो चारा इस बार सूखा चारा 14 से 15 रुपए किलो है और पूरे नागौर के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं गायें हैं तो पी की गौशाला के लिए। तो यहाँ अमरचंद जी लोधा ने मेरे से आग्रह किया था कि सरपंच साहब कैसे भी करके ओम जी से टाइम लो और अपने गांव के गौशाला की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है, इसके लिए मैंने ओम जी से समय लिया और बड़ी विशाल वचन संध्या हुई आज। मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है कि सभी गाँव के लोग बाहर से आए हुए अतिथियों के द्वारा जिस प्रकार की चारे के अंदर 10-15-16 रुपए पर डे 2 से 3 लाख रुपए का चारा आ रहा है, लगभग भाई साहब 2800 गाय है पी गांव की गौशाला के अंदर है, जो कि नागौर जिले के अंदर किसी भी गौशाला के अंदर नहीं है, सबसे ज्यादा अगर कहीं गायें हैं, कई बार कलेक्टर साहब द्वारा गोपालन विभाग द्वारा पी की गौशाला को सम्मानित किया है, क्योंकि यहाँ जिस प्रकार की गायों की देख रेख होती है, इसके लिए भाई अमरचंद जी लोधा इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूर्जी जांगू के इन्होंने समय समय पर गायों की सारी देख रेख करते हैं, चारा की व्यवस्था करते हैं, जब गांव से कोई लोग आए एक नहीं आए लेकिन हमेशा ये सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक गायों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, इसके लिए सभी ग्रामवासियों से भी आज मैं इस मौके पे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने गाँव की गौशाला है और गौ माता 36 कौम के लोग यहाँ विराजमान है, आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है कि समय समय पर अपने को इस गौशाला की आके देख रेख करनी है, क्योंकि जिस प्रकार की पी की गौशाला है ऐसी गौशाला आप कहीं भी घूम के आके देख लेना, पूरे नागौर जिले के अंदर कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप सबके लोगों के सहयोग के द्वारा, आपकी पसीने की कमाई के द्वारा ये गौशाला बनी है और आज जिस स्टेज पे खड़ी है इसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय समय पर हर 15-20 दिन से मीटिंग होती है, ये हर अमावस के दिन गांव के लोग एकत्रित होते हैं, तो आप भी इस मीटिंग में हमेशा पधारो और गायों के लिए जितना हो सके अपने से श्रद्धा अनुसार, कोई जरूरी नहीं कि 11,000, 51,000, 1 लाख रुपया देवों जरिए काम चले, अगर अपने पास 100 रुपए ही है वो श्रद्धा से यहाँ अगर अमावस के दिन अपने आके अगर वो दे रहे हैं गौ माता के लिए, तो भी वो आपका बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि आप आपका समय निकाल के यहाँ गौशाला के अंदर आ रहे हो, इसके लिए संपूर्ण ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पधारे हो और हमारा आयोजन बहुत सक्सेसफुल हुआ, सक्सेस है और मुझे पूरी विश्वास है कि जब सुबह यह होगी कम से कम सारे रिकॉर्ड यहाँ से टूटेंगे, धनराशि एकत्रित होगी और गौशाला के लिए चारे की और पिछले 1-2 साल 3 साल में जिस प्रकार के यहाँ के गांव के लोगों का सहयोग रहा, ऐसा ही आगे भी सहयोग बनावा रहे, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका कीमती समय निकाल कर हमारे छोटे से गाँव के अंदर पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद परम गौ भक्त अमरचंद जी जादरा साहब, और धन्यवाद एक बार रणवा साहब, जोरदार तालियां साहब। सीकर की धरती से यहाँ नागौर की धरती पर आप आए, इस नागाणा की माटी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे किसान मोर्चा की टीम का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि जाते जाते एक लाइन बोल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव रणवा जी के लिए, बेहूदी की जिंदगी में कभी दिवस तो कभी रात होगी, बेहूदी की जिंदगी में रणवा जी कभी दिवस तो कभी रात होगी, मेरी बातों से नाराज होके मत जाना, यदि मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया तो एक और नई मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वाह कमाल शायरी के, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है आप भी, मुसाफिर है हम भी, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। श्रीमती संपत देवी जी, धर्मपत्नी हगामीलाल जी,
ये दासनी पी ब्यावर, आपकी ओर से गौशाला में 2,50,000 की लागत में कमरा बनाया, जोरदार तालु से स्वागत श्रीमती संपत देवी जी, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती मोनीबाई धर्मपत्नी पुखरा जी, महावीरचंद जी, प्रसन्नचंद जी मेहता की पुण्य स्मृति में मेहता परिवार पी चेन्नई वालों की ओर से 1,11,111 रुपए। बोले गौ मात की